दोबारा ने क्या कर रही हो आप? सुबह टाइम पर आ जाना, चलो मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। सर ए हेलो, अरे कहाँ चला गया ये? ओ, आपकी दी तो गाड़ी के अंदर ही है। ये सब क्या हो रहा है? ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। किसी रेंटल अकोमोडेशन में रहने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सेफ भी। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, इस घर में ना मेरे बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मैंने खास मंगाया था प्रज्ञा के लिए। ओहो, इसको बुलाऊं? ये मेरी अलमारी पता नहीं छूते ही क्यों है ये लोग। पता नहीं कहाँ रख, लो यहाँ पर। भगवान, कितने सारे। सरला, ये बिन बादल बरसात किस लिए? अब प्रज्ञा की जिंदगी में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्यों रो रही है? क्या वजह? प्रज्ञा के लिए नहीं रो रही हूँ बीजी, अपनी उन बच्चियों के बारे में सोचकर रोना आ गया जिन्हें मैंने जन्म तो दिया है लेकिन इतना ढूंढने पर भी जो मुझे नहीं मिली बीजी, मैं सच में मैं उन्हें छूना चाहती हूँ बीजी, उन्हें प्यार करना चाहती हूँ, उनके सर पे अपना हाथ रखना चाहती हूँ बीजी। सरला, तू क्यों नहीं समझती? वो तेरी बेटियां नहीं है, वो रघु की बेटियां थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कोई माँ भी है जो जिंदा है। प्रज्ञा और बुलबुल के लिए जितने तूने आंसू बहाए वो कम है बीजी, लेकिन मैंने उन्हें जन्म दिया बीजी। मैं प्यार बीजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे दर्द होता है। तू प्यार करती है, तू माँ है, और मैं तो जैसे माँ थी नहीं, और मुझे याद नहीं आती। तू भूल गई कि रघु मेरी इकलौती औलाद था। जब वो चला गया मेरे लिए भी सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने को संभाला। संभाला ना, तुझे भी संभालना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू ऐसे नहीं संभली तो इसका इलाज भी मेरे पास है, और इस मर्ज की दवा है ये कफ सिरप। सरला, एक घूंट पी ले, सब दुख तकलीफ तेरी गायब हो जाएगी। है इन्हीं राति कौन आया होगा? मैं देखती हूँ बीजी, आप ये अलमारी में रखवा दो। हाँ, अरे बेटा जी, आप इतनी रात को? अभी रॉकस्टार, मैं तुझे याद कर रही। बाहर क्यों खड़ा, अंदर आना। इतनी रात को घर पर सब ठीक है ना? प्रज्ञा तो वो सब ठीक है, तू क्या बात करती है? करेक्ट, ये तो इसलिए आया है कि इसको पता है कि दादी जो है कफ सिरप लगा रही। आ जा, आ जा। अरे अरे अरे, कफ सिरप तो हम पियेंगे ही पियेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। याद है आपने मुझे कहा था कि आपको इस घर में वो, एक सेकंड, गर्ल्स कम ऑन इन, मिल लो। अभी ये लड़कियां कौन है? रॉक्सा दादी, ये है पी और ये है जी, मेरा मतलब पीजी। आंटी जी, आपने कहा था ना मुझसे कि आपको इस घर के लिए लड़कियां चाहिए थी पीजी के तौर पर, तो बस आपके सामने पीजी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी रात को ये लड़कियां मिली कहाँ तुम्हें? सड़क पे, मेरा मतलब इसी तरह सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर घूम रही थी, और अभी अभी मुंबई आई है।
रहने के लिए कोई घर नहीं है, मुसीबत में थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो क्या है, मुझे लगा कि आप दोनों की जो जरूरतें हैं वो मैच कर दी ना, तो मैं ले आया, कुछ अच्छा किया ना। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तुम रॉक स्टार हो। अरे तुम सोचते भी रॉक स्टार की तरह हो, एकदम सही किया। थैंक यू दादी। बेटा कहाँ से हो आप लोग और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अगर घूमने आए हो तो आने से पहले किसी रिश्तेदार का पता तो होगा, काम से आए तो। माता जी बस करो, तुमने तो सवालों की बौछारी कर दी, देखती नहीं हूँ क्या हाल है, थकी टूटी। इनको अंदर ले जा, जरा मुँह धुलवा दे, कुछ खिला दे पिला दे, सुबह उठेंगी तब जितने सवाल करने कर लियो। वाह क्या बात है। आई मीन आंटी जी, अगर आपके घर में ऐसी पार्क ही नजर वाली दादी जी हो तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है ना, है ना? नहीं वो एक्चुअली मेरा मतलब है कि दादी जी तो दो मिनट में बता देगी कि हम अच्छे घर की अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी तो बिल्कुल ठीक कर रही थी, मेरी तेरी हुक पटेगी। पीजी की बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जहाँ तुम लोग ठहरोगे, रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। चल आ जा, चल भाई जानकी पानी का क्या गिलास लेके बैठी, जा जल्दी से वो लेके आ। अरे जानकी मैं अकेला तो खिला दो। कब सिर अपना? और दादी बताइए। हाय रॉकस्टार, मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, मुझे ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालनी है, मेरे जो नासिक वाले फ्रेंड्स है ना उसे देखकर बहुत जल जाएंगे, मजा आएगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अभी खुश हो जाएगी। हाँ जाओ अपना कमरा देख लो, वरना तुम्हें बाथरूम में सोना पड़ेगा। ओके कैसा रहेगा तुम दोनों के लिए कमरा? अब बाहर भी अभी अंदर भी अभी परफेक्ट आंटी जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं ना कहती थी कि तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर, मैं जरा खिड़की का पर्दा भी हटा देती हूँ, देखो ताजी हवा आएगी यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। वैसे ये कमरा है किसका, मेरा मतलब यहाँ पहले कोई रहता था? हाँ मेरी बेटी का कमरा है, अब उसकी शादी हो गई इसीलिए वो ससुराल में रहती है, लेकिन जब से गई है ना तब से कमरा ऐसा ही है। लगता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं। क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। प्रज्ञा प्रज्ञा, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है, लेकिन कहाँ? बहुत प्यारी है मेरी प्रज्ञा, इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ, दूसरों के बारे में ही सोचती रहती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। मेरी बच्ची से अच्छी तो कोई बच्ची हो ही नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ है उसको, लेकिन मुझे बता ही नहीं रही। हर बार कहती है कि सर में दर्द है, मैंने कहा भी कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो वो तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। वो मैं आंटी जी कितना इमोशनली बातें करती है ना। बातें नहीं थी, बकबक कहो बकबक, वो भी एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। अरे मैं तो सोच रही थी कि अभी गाड़ी रुकेगी, लेकिन नहीं, वो तो बोली जा रही है, कोई लिमिट होती है यार। बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम कौन सा बातों में सुपर जेट से कम स्पीड पकड़ती हो। और हाँ एक और बात, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह कहती है। मैं ना कहती थी? मैंने ऐसे कब कहा है? हाँ कभी नहीं कहती, बस कभी कभी कहती है, जैसे कि हर एक लाइन के बाद एक बार, मतलब एक्सपेक्टेड ओनली वंस इन एवरी पैराग्राफ। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? पता है सृष्टि, उनकी स्पीड से ज्यादा मेरा ध्यान उनके जज्बातों पे गया। ये माँ कितनी अच्छी है ना, अपनी बेटी के लिए कितनी इमोशनल है। शादी के इतने सालों बाद भी कोक का रिश्ता भुला नहीं पाई, मुझे तो ऐसा लगता है वो हर पल हर वक्त सिर्फ अपनी बेटी की चिंता करती है, सिर्फ उसके बारे में सोचती है, जबकि वो तो अपने पति के साथ है। हाँ तो ये तो गलत बात है ना दी, आई मीन हस्बैंड वाइफ की अपनी लाइफ होती है, उनको अपने तरीके से जीने दो। सृष्टि ब्लड रिलेशन की बात कुछ और ही होती है, वहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। लेकिन आप ना आज से लाइफ का एक रूल बना लो दी, वो भी पक्का वाला, ये माँ को देवी बनाना छोड़ो और अपनी माँ को ढूंढने के सारे बहाने भी छोड़ दो प्लीज। मैं ना कहती थी
ये किस्मत है ना, चाहती नहीं कि हम अपनी माँ से मिले, और वैसे भी हमें तो उनका नाम पता भी नहीं है। सरला, सरला नाम है माँ का। क्या दी, आपको नाम पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं? हाँ तो पापा ने बताया था ना, जब मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम मुंबई जाएंगे। हाँ? तुझे नहीं बताया क्योंकि तू कितनी अपसेट हो जाती, देखा है खुद को। अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना यू नो व्हाट, मैं मुंबई कभी नहीं आती। वैसे भी मुझे ना उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू मीट हर, नेवर एवर। फ्रेश होके आ रही हूँ। पता नहीं हमारी माँ कैसी होगी, हमारी इस नई लैंडलेडी की तरह जज्बाती, या फिर जैसा सृष्टि सोचती है वैसी सेल्फिश। ये काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। कैसा बदतमीज लड़का था वो, भगवान करे कभी उसकी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले। कब काम करो। रिलैक्स गर्ल्स, रिलैक्स, ये कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं। वन सेकेंड। और ये है मेरी दादी। रिलैक्स गर्ल, ये सब ओवररेटेड है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यू नो हाउ टू विश माय दादी? ऐसे। और ये मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड है, एकदम ओरिजिनल। राइट। अब तुम दोनों लड़कियों का टाइम अप हो गया है, गुड नाइट, जाइए अपने घर, करण को सोना है। ओके राजू। यस। लव यू दादी। दादी क्रिकेट खेल रही है सी। अच्छा ओ तुसी अगर स्टेडियम आंदे ना। क्या चौके छक्के, मुझे मालूम है तू कौन से चौके छक्के लगा रहा था इतनी देर से। क्या बोल रहे थे तुम? बहाने बना रहा, तेरा मैच तो कब का खत्म हो गया था? ऋषभ मेरे भाई, देखो दादी को सब कुछ पता है और दादी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। I love you दादी। वैसे दादी आज आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। बाय 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 बाय, कान छोड़। कल प्रैक्टिस है ना, सुबह सोना पड़ेगा। दादी आप जाके सो जाइए, इसको मैं सुला। राजू अरे भाई तुझे मैच पे आना चाहिए था यार। और आकर क्या करता, तेरी तरह शैंपेन में नहा लेता? नहीं नहीं, मैदान के बाहर वाले चौके छक्के लगा लेता तुझे। आई नो व्हाट यू मीन गर्ल्स। Well caught, Karan. वो सब तेरे ऊपर अच्छा लगता है। चलें। I love you, bhai. Love you too, Karan. I love you more, bro. Right there you go. अब तो जल्दी से चेंज कर ले और सो जा। Okay, mom. अभी तेरा ओके ओके से काम नहीं चलेगा। सुबह तेरा नेट प्रैक्टिस है और तेरे कोच ने तुझे टाइम पर पहुंचने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। तेरा अलार्म सेट कर रहा हूं। क्या? तो क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज तुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लिया। अच्छा ही तो किया। सुन तुझे हैंगओवर ना हो इसलिए मैं तेरे को दवाई दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट के कल की प्रैक्टिस, देखना सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और तू ना सब कुछ संभालने के लिए गो। तो तू कैसे करता? देख हेलो, या हेलो, दिस इज ऋषभ लूथरा हियर। मेरा भाई करण कल प्रैक्टिस के लिए लेट आएगा, उसका टाइम 6 बजे से हटा के 10 बजे के स्लॉट में रख दो। एंड लिसन टू मी, उससे ऐसी प्रैक्टिस कराना कि उसकी हवा टाइट हो जाए और अपना माथा पकड़ ले कि मैंने इतनी क्यों पी कि मुझे हैंगओवर हो गया। ऐसे करता हूँ। तू तो मेरा भाई है, तू इतना सब कुछ करता है मेरे लिए। अब तू ज्यादा मक्खन मत लगा, गो चेंज, अल्कोहल की बदबू आ रही तेरे से, जा। अल्कोहल? एक्सक्यूज मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड के परफ्यूम की स्मेल है। ऐसे तू बोलता तो चेंज कर देता हूँ। क्या गर्लफ्रेंड? नो, उनका परफ्यूम है यार। एनीथिंग फॉर यू ब्रो, एनीथिंग। करण इफ रियली एवरीथिंग फॉर मी ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने करियर के लिए थोड़ा सा और सीरियस हो जा।
करण, अभी सिर्फ तूने बीपीएल में नाम कमाया, अगर तू ऐसे लापरवाही से जिंदगी जिएगा तो फिर तेरे नेशनल टीम में कैसे सिलेक्शन? रिलैक्स, तू यहाँ बैठ, तूने लाइफ में थोड़ा रिलैक्स किया कर, तू कभी स्टेडियम आके देख मैं कैसे चौके मारता हूँ, कैसे छक्के मारता हूँ। करण करण लड़कियां चिल्ला रही होती हैं, और तू है ना सबको संभालने के लिए। ऑफ कोर्स हूँ मैं, बड़े भाई होते किस लिए, छोटों को संभालने के लिए। अरे लेकिन तू भी तो कुछ करना, तभी मैं कहूँ अचानक से इतनी शांति कैसे हो गई, सारा दिन पकड़ 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 करता है। अरे सरला, तू इतनी जल्दी उठ गई? पीजी, इतने शोर में कोई सो सकता है क्या? आपको नहीं सुनाई दे रहा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सुबह सुबह किसने इतनी जोर से म्यूजिक लगा रखा है। अरे किसने लगाना है म्यूजिक? ये जो लड़कियां तूने कल रखी है ना, नहीं पीजी, वो ही बजा रही है जोर जोर से म्यूजिक। पीजी मैं ना कहती थी मुझे ना रात को ही सारी बात साफ साफ कर ले लीजिए। सुबह सुबह क्यों बखेड़ा करती, दिन में आराम से समझा दियो, बच्चियां समझ जाएंगी। नहीं बीजी, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर के क्या कायदे कानून है, ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी चलाती रहेंगी वो। इतनी जोर से कोई म्यूजिक चलाते हैं, मैं अभी बात करके आती हूँ। अरे तो तू चाय तो पी ले पहले। इतने म्यूजिक में मैं चाय नहीं पी सकती बीजी, मैं बात करूंगी फिर पीऊंगी चाय। पता नहीं क्या है यहाँ पे, हमारा घर है ये कि इनका घर है? बच्चों वाली बातें मत कर सृष्टि, अब ऐसे भी गाना लाउड सुनने से गाना ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। अरे अरे सुबह सुबह का टाइम है, पता है ना और भी लोग रहते हैं इस घर में, सबको डिस्टर्ब करेगी क्या? दी, रॉकस्टार अभी का गाना है, हाई वॉल्यूम में कितना एक्साइटिंग लगता है, और ऐसे तो मैं डांस भी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज तू गाना सुन या डांस कर, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मली रहेगा। ओके बड़ी होने का धौंस जमा लो बस तुम। ओके आज के लिए मैनेज कर ले, फिर तेरे ईयरफोन्स ले आऊंगी। ओके ब्लूटूथ वाले? ब्लूटूथ? ओके क्यों सरला, प्रज्ञा और बुलबुल की याद आ गई ना, मैं भी यही सोच रही थी, आज हमारी बच्चियां हमारे पास नहीं है, इस बात का गम मना या कि ये दो नई लड़कियां हमारे पास आ गई हैं, इस बात की खुशी मना। वैसे भी देखना इन दोनों का प्यार देखकर लगता है जैसे बिल्कुल प्रज्ञा और बुलबुल का प्यार था। ये उनकी कमी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनके इस घर में आ जाने से उनकी यादें जरूर कम होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट खबर सुनो, आज मुझे ये ताजा ताजा एहसास हुआ है कि मुंबई ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया है। चुप कर नौटंकी, सीधा सीधा बता क्यों बोला। क्योंकि मेरी मंजिल तय हो चुकी है दी, मैं मुंबई की सबसे फेमस मॉडल बनने वाली हूँ, और उसके बाद अपनी फेम और ब्यूटी का फायदा उठाकर मैं करण जैसे हॉट रिच और फेमस क्रिकेटर्स को पटाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई? अरे पता नहीं वो किस तरह का इंसान है। तो आप इसे क्यों रिएक्ट कर रही है? क्यों, कल रात को आपके सपने में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा था क्या? और वैसे दी, इन बिगड़े अमीरजादों में ना एक अलग ही चार्म होता है, आपके दिमाग की रेंज में ना ये बातें नहीं आएंगी। Any which ways, cutting long story short, मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया है। I'm gonna be the next supermodel, Srishti Arora. Ten ten. और जब तक तेरे ये high funda dreams पूरे नहीं होते, तब तक obviously सारे घर का खर्चा तो मैं ही मैनेज करूंगी। Oh wow दी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शार्प हैं। आप तो इस घर की दादी से ज्यादा पार की हैं। मुझे ना पता था जब मैं मुंबई आऊंगी ना, तेरे दिमाग में ऐसे क्रेजी आइडियाज आएंगे ही आएंगे, और सारा खर्चा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स के एड्रेस पहले ही मार्क कर लिए। मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। देख, सबसे पहले तो हमें यहाँ के रेंट का अरेंजमेंट करना है। ये लैंडलेडी कौन सा हमारी माँ है जो हम यहाँ फ्री में रह सकते हैं? उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रही है ना, नहीं तो आगे से। अरे दी, जरा यहाँ तो देखो, क्या ये
क्या है? विजय भवा। ओह गॉड सृष्टि। अरे ये लड़कियां कौन है दी? देखा। अरे आंटी जी की बेटियां होंगी ना, और कौन? इन्हें कहीं तो देखा है मैंने, इनको मैंने टीवी में देखा है और मैगजीन में भी देखा है। ये रॉकस्टार अभी की वाइफ है ना, कैसी दिखती है ना, एकदम चश्मे सी, नो स्टाइल नो एटीट्यूड, सो अनकूल। उससे बेटा तो ये वाली दिखती है, देखो। तू तो 100 खामियां निकाल, क्योंकि ये तेरे रॉकस्टार अभी की वाइफ जो है, आई थिंक यू आर जेलस। हां हूं मैं जेलस, तो मैं ना कहती थी कि ये मेरे रॉकस्टार अभी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अब तनु को देख लो, क्या लगती है अभी के साथ। ओहो सृष्टि, हम कौन होते हैं जज करने वाले? अभी जहाँ से गिरा था ना, उसे वहाँ वापस रख, और जब तक मैं वापस नहीं आती, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना। Okay, promise. I promise. Okay, fine. अच्छा, by the way, मेरे ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स मत भूलना। हाँ हाँ पक्का, लेकिन जॉब लगने के बाद। DJ सर, आपके मुफिन्स, डोनट्स एंड सुपर स्वीट मिल्कशेक। थैंक यू जॉय। दादी, ये आपकी सुपर स्वीट मील। थैंक यू। अरे अरे चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे, चोर 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 चोर। अरे दीदी, मुझे जाना, मुझे भूख लगी है। देखो कोई इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये चोर है मैडम, इसने चोरी की है, इंसाफ का पैकेट इसने चुराया।